नमस्ते बच्चों, आज हम गैफी जिराफ और उसकी माँ फैनी की एक दिलचस्प कहानी सुनेंगे और संख्या बंधनों के बारे में जानेंगे। गैफी और उसकी माँ फैनी समुद्र तट पर टहल रहे थे। तभी फैनी को एक आइडिया आया। उसने गैफी से कहा, गैफी आओ हम कुछ देर बैठकर आराम करें, मेरे पास एक मजेदार खेल है जिसे हम खेल सकते हैं। ठीक है माँ। वे दोनों रेत पर बैठ गए। फैनी ने रेत में संख्या दो लिखी। संख्या दो के नीचे उसने दो रेखाएं खींची, एक तिरछी रेखा दाईं ओर और दूसरी तिरछी रेखा बाईं ओर। दोनों तिरछी रेखाओं के नीचे उसने एक एक गोला बनाकर उसमें संख्या एक लिखी। गैफी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैंने संख्या दो के नीचे एक और एक क्यों लिखा है? गैफी ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, अरे हाँ, एक में एक जोड़ बनते हैं दो। शाबाश गैफी, अब क्या तुम खुद संख्या चार के लिए ये कर सकती हो? बच्चों, जो अभी फैनी ने गैफी को समझाया उसे संख्या बंधन कहा जाता है। ये हमें ये समझने में मदद करते हैं कि कैसे दो छोटी संख्याओं को जोड़कर एक बड़ी संख्या बनती है। आइए संख्या चार का उदाहरण देखें। चार के नीचे आप कौन सी दो संख्याएं लिख सकते हैं? हम एक और तीन लिख सकते हैं। इसका मतलब एक में तीन जोड़ या तीन में एक जोड़ बनते हैं चार। क्या कोई और संख्या है जिसे आप चार के नीचे लिख सकते हैं? जी हाँ, हम चार के नीचे दो और दो भी लिख सकते हैं, क्योंकि दो में दो जोड़ भी चार बनते हैं। गैफी ने चार के लिए संख्या बंधन पूरा किया। उन्होंने सूर्यास्त देखा और खुशी खुशी घर लौट आए। बच्चों, अब आपकी बारी है। आप भी पाँच की संख्या के लिए संख्या बंधन अपनी नोटबुक में लिखें और अपना उत्तर अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। बच्चों, इस वीडियो में हमने संख्या बंधन के बारे में सीखा।